कई सन 2021 सन में हमारा ये 21020 हुआ, थोड़ा थोड़ा मैंने ये हुआ ये टेन हुआ, हम समझे कि ऐसा सोने से हुआ है, लेकिन ये बहुत दिन डाल गया। तब जाकर के आयुष सुंदरा में देखा, आयुष सुंदरा में जाकर वहाँ बताया कि ये तो ब्लॉकेज है, अब ब्लॉकेज ये 5% ब्लॉकेज, अब वो बोलता है ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुन के तो हम बहुत डर गया, तो ये ऑपरेशन कराएगा, ये हाथ का ऑपरेशन तो बहुत क्रिटिकल होता है, ये हमको भय हो गया भीतर से। अभी नहीं, लड़का सब बोला जो आप कराइए, अरे नहीं हम नहीं कराएंगे, हमको एकदम हम डर गए। उसके बाद हम चले गए घर, लड़का कहते ना कि तुम भी कराओ, अभी हमको हिम्मत नहीं पड़ता है भीतर से। तब ले गया हमको बंगलोर डॉक्टर देवी प्रसाद से चीज सुनता हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो हम भी गया जाकर के वहाँ घर से उसको तो सब उजात पड़ताल किया, उजात पड़ताल करके वो भी बोलता है कि ये करना है ऑपरेशन करना है, और सर ऑपरेशन तो नहीं करें, हमको भय लगता है, हम डरते हैं, हमको ऑपरेशन नहीं, हमको भीतर से भय लग रहा है। तो तब बोला जो तभी काम कीजिए, हम एक साल का आप मेडिसिन देते हैं, एक साल तक आप मेडिसिन खाइए, यदि आपका ठीक हुआ या ठीक होने के क्रम में यदि आया तो मेडिसिन खाते रहिए ठीक रहेगा, और नहीं तो हम ऑपरेशन करेंगे। हम ठीक है दीजिए मेडिसिन, मेडिसिन लेके आया, मेडिसिन उसका इतना सा मेडिसिन, वो मेडिसिन खा करके हमको तो भात रोटी खाने का मन ही नहीं करता है, और दुर्बल हो गया। यही बीच में हमारा बड़ा लड़का कोर्ट का एडवोकेट है, उसको किसी ने कहा जो सिपाधार, सिपाधार का एक कोई लड़का जो आया था जिसको यहाँ मैंने कार्डियोलॉजी मैंने डॉक्टर दिखा, अब बोला ये बहुत थोड़ा दिन का मेहमान है, उसके गार्जियन को बोला जिसको ले जाइए थोड़ा खाना पीना खिलाइए और छुट्टी में रखिए, अब ये बहुत कम दिन का मेहमान है। संयोग से वो आदमी जो है आपसे उसको भेंट हुआ, जब आपसे भेंट हुआ तो आपसे ट्रीटमेंट लिया, आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद सिपाधार का आदमी आज भी जिंदा है, आज भी वो आदमी है। ये खबर जब हमको मिला तो हमको उत्साह हुआ, वो थोड़ा हम जाएंगे देखने, अब आया यहाँ देखने के लिए, देखा तो हमको मैंने आकर्षण आया, भीतर में विश्वास हो गया कि अब हम हमको ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लड़का को बोला देखो हम यहीं पर यही बेदी लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, और ये इंजेक्शन से हमारा मन कहता है भीतर से जो ठीक हो जाएगा, हमारा मन भीतर से कहता है जो ठीक होगा, तुम हमको यही ये कराओ। लड़के बोला ठीक है, यदि आपका मन कहता है कि यहाँ ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कब से सर हम जो है उसका इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन लेने के बाद हमको ये जगह तो भारी भारी लगता था, इतना दर्द करता था, अभी न वो दर्द है और न भारी है, दोनों ही हल्का हो गया है, दर्द भी ठीक हो गया है, थोड़ा हमने 100% में 80% ठीक है मेरा, बस 20% है वो भी अब विश्वास हो गया जो ठीक हो जाएगा। और आपको हम भगवान की तरह, जैसे लोग भगवान को मानता है सर, मैं वैसे आपको मानता हूँ, और जब तक हमारा सांस चलेगा मैं आपको भगवान को मानता रहूंगा।